दृष्टि एस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख मोदी टू आसियान टाइम वी ज्वाइंटली फाउट टेरर और द हिंदू में प्रकाशित लेख इंडिया जापान यूएस ऑस्ट्रेलिया होल्ड फर्स्ट क्वाड टॉक्स एट मनीला अहेड ऑफ आसियान समिट के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल है। यह आर्टिकल द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा हुआ है, तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। 31वां आसियान सम्मेलन और क्वाड। हाल ही में 13 से 14 नवंबर के बीच आसियान का 31वां सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन फिलीपींस की राजधानी मनीला में संपन्न हुआ। आसियान के 31वें सम्मेलन का थीम वाक्य पार्टनरिंग फॉर चेंज एंगेजिंग द वर्ल्ड था। इस सम्मेलन के साथ ही भारत आसियान की 15वीं और ईस्ट एशिया सम्मेलन की 12वीं बैठक का भी आयोजन किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रुनेई तथा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय वार्ताएं भी की। गौरतलब है कि आसियान का 31वां सम्मेलन विश्व भू राजनीति व आर्थिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। आसियान सम्मेलन के दौरान चार देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने चौतरफा बैठक की। इन चार देशों की बैठक को क्वाड नाम दिया गया है। आखिर क्वाड क्या है, क्वाड क्यों अस्तित्व में आया, इसके समस्त एशिया में क्या परिणाम निकलेंगे, क्वाड में भारत की क्या भूमिका होगी, ऐसे ही कुछ प्रश्नों का हल निकालने की कोशिश हम इस आर्टिकल के जरिए करेंगे। साथ ही हम इस आर्टिकल के अंतर्गत यह जानने की कोशिश भी करेंगे कि आसियान समूह के देशों के साथ भारत के कैसे संबंध हैं और आगे किस दिशा में भारत को बढ़ना चाहिए। इससे पहले कि हम इस चर्चा में आगे बढ़ें, आइए पहले आसियान के बारे में जान लेते हैं। आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। आसियान की स्थापना इसके संस्थापक देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के द्वारा 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। इस तरह अगस्त 2017 में आसियान की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो गए। बाद में इसमें ब्रुनेई, दार सलाम, वियतनाम, लाओ पीडीआर, म्यांमार और कंबोडिया शामिल हुए। इस तरह आज आसियान के कुल 10 सदस्य हैं। सदस्य देशों की स्वतंत्रता, संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हुए आपसी सहयोग पर बल देना आसियान के मौलिक सिद्धांतों में शामिल है। आसियान के पूर्णकालिक सदस्यों के अलावा कुछ वार्ताकार सदस्य देश भी हैं। 1997 में आसियान को आसियान प्लस 3 नाम से विस्तारित कर इसमें चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को शामिल कर लिया गया। आसियान प्लस 3 के बाद इसमें भारत, जापान और न्यूजीलैंड को शामिल कर इसे आसियान प्लस 6 नाम दिया गया। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी के लिए आसियान देशों के द्वारा भागीदार सदस्य संख्या को विस्तार दिया गया। बाद में आसियान देशों ने अपने संबंधों को अधिक विस्तार देने के लिए ईस्ट एशिया समिट की सदस्यता ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस को भी प्रदान कर दी। आसियान और इसके भागीदार सदस्यों की कुल संख्या वर्तमान में 18 है। इस तरह 2 सम्मेलन आमतौर पर आयोजित किए जाते रहे हैं, एक आसियान के 10 सदस्यों का और एक वार्ताकार सदस्यों के साथ। आसियान देश व वार्ताकार सदस्यों के सम्मेलन को ईस्ट एशिया समिट कहा जाता है। अब हम चर्चा करते हैं आसियान सम्मेलन में उठे भू राजनीतिक एवं आर्थिक समीकरणों की। आसियान के सदस्य देशों की दुनिया में विशिष्ट पहचान बनी है। राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से देखें तो इन्हें काफी सफलता भी मिली है। अनौपचारिक रूप से इन्होंने अपने मसलों को खुद सुलझाया है। एक तरह से सदस्य देशों ने आसियान को अन्य संगठनों के मुकाबले एकजुट और मजबूत किया है। आज आसियान विकासशील देशों का गुट जरूर है, लेकिन उसमें गैर सदस्य अमेरिका, चीन और जापान जैसे शक्तिशाली देश भी खासी रुचि रखते हैं। यहाँ तक कि भारत भी इसका पूर्णकालिक सदस्य नहीं है, फिर भी उसके लिए यह संगठन खासा महत्व रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आसियान देशों की यात्रा पर जाते रहे हैं। हर बार विभिन्न मुद्दों पर बात होती है। सबसे बड़े मुद्दों में साउथ चाइना सी विवाद, आतंकवाद से लड़ने की नीति, पर्यावरण सुरक्षा इत्यादि शामिल हैं। आसियान और भारत के बीच पिछले 25 सालों से बातचीत चल रही है। इससे धीरे धीरे भारत का आसियान के साथ व्यापार और सदस्य देशों के साथ दोस्ती बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्री रास्तों के जुड़ाव पर भी खासा ध्यान दिया है। यह तथ्य बेहद महत्वपूर्ण है
कि इस इलाके को भारत प्रशांत क्षेत्र कहा जा रहा है, जो भारत को दुनिया में एक अलग पहचान दिला रहा है। वहीं आसियान का हर सदस्य देश चाहता है कि भारत की इसमें जिम्मेदारी बढ़े, इसीलिए उसे बुलाया जाता है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका भी भारत की भूमिका को स्वीकार करने लगा है। अमेरिका इस क्षेत्र को पहले एशिया प्रशांत क्षेत्र कहता था, किंतु अब इसे भारत प्रशांत क्षेत्र मानने लगा है। इन भू राजनीतिक हितों के अलावा भारत आसियान देशों के साथ आर्थिक संबंधों की मजबूती पर भी खास ध्यान दे रहा है। यही कारण है कि भारत का आसियान देशों के साथ व्यापार काफी बड़े स्तर पर किया जाता है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी आसियान देशों के साथ बहुआयामी क्षेत्रों में काम करने की नीति है। सॉफ्ट पॉलिसी की बात करें तो इस क्षेत्र में भारत तथा आसियान देशों के संबंध बहुत प्रगाढ़ रहे हैं। आसियान के कई देशों में भारत के देवी देवताओं के अनेकों मंदिर हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आसियान तथा भारत साथ में आगे बढ़ रहे हैं। संबंधों को और अधिक धार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान के सभी 10 नेताओं को देश के गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। यह पहली बार है कि नई दिल्ली 26 जनवरी 2018 के वार्षिक उत्सव के लिए निमंत्रण का विस्तार कर रहा है, वो भी एक क्षेत्रीय समूह के लिए। अगर भारत के अलावा किसी अन्य ऐसे देश की बात की जाए जो कि आसियान देशों में बड़ी दिलचस्पी रखता है, तो वह चीन है। अमेरिका और भारत के अलावा आसियान में चीन की बड़ी भूमिका हो चुकी है। यही कारण है कि अमेरिका भारत का अधिक समर्थन करता दिख रहा है। इस क्षेत्र में पहले से अमेरिका का काफी दबदबा रहा है, जो अब चीन के ताकतवर होने के बाद कम होता जा रहा है। लेकिन अमेरिका आसियान देशों में भारत को आगे कर चीन की ताकत को कम करना चाहता है। यही कारण है कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर अमेरिका और भारत साथ खड़े दिखाई दिए। आसियान समूह के कई देश भी चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए भारत की बड़ी भूमिका की अपेक्षा रखते हैं। गौरतलब है कि भारत के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण चीन सागर के जरिए होता है, इसलिए भारत दक्षिण चीन सागर में रुचि लेता है। समुद्री रास्ते से स्वतंत्र रूप से आने जाने की वकालत भारत और अमेरिका दोनों करते रहे हैं। इन्हीं परिस्थितियों से एक क्षेत्रीय गठबंधन क्वाड को शुरू किया गया है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। क्वाड को मुख्य रूप से आर्थिक एवं सामरिक दृष्टिकोण से स्थापित किया गया है, किंतु क्वाड का विचार नया नहीं है। क्वाड का विचार सर्वप्रथम जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे द्वारा 2007 में दिया गया था, और 2007 में ही शिंजो अबे द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र को भारत प्रशांत क्षेत्र कहकर संबोधित किया गया था। आसियान क्षेत्र तथा साउथ चाइना सी जैसे रणनीतिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति के बीच एक मुक्त, खुले, समृद्ध और समावेशी विकास से युक्त भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए यह गठबंधन प्रारंभ किया गया। परंपरागत शब्द एशिया प्रशांत का प्रतिस्थापन कर भारत प्रशांत क्षेत्र कहा जाना गठबंधन में भारत के उदय के महत्व को दर्शाता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि 2007 के बाद क्वाड फिर से चर्चा में है। दरअसल हुआ ये था कि तब क्वाड को लेकर चारों देशों में उतनी सहमति नहीं थी जितनी की अब है। उस समय ऑस्ट्रेलिया क्वाड को लेकर आश्वस्त नहीं था, क्योंकि चीन के साथ उसका व्यापार बहुत गहन था। चीन ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी भी दी थी कि यदि वह इस तरह के गठबंधन में जाता है तो चीन से व्यापार कटौती के लिए ऑस्ट्रेलिया तैयार रहे। इसलिए कुछ समय बाद ऑस्ट्रेलिया क्वाड से बाहर हो गया था। 10 वर्ष बाद फिर से क्वाड का यूं वापस अस्तित्व में आ जाना इसका पुनर्जन्म ही कहा जाएगा। मनीला के 31वें आसियान शिखर सम्मेलन के मौके पर क्वाड ने अपनी पहली आधिकारिक बैठक आयोजित की। क्वाड में चर्चा मुख्य रूप से मूल्यों को एकत्रित करने के आधार पर सहयोग पर केंद्रित थी, जिसमें कनेक्टिविटी बढ़ाने के साधन, आतंकवाद और अन्य प्रसार संबंधी संपर्क शामिल हैं। ये इस क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को प्रभावित करते हैं। भारत प्रशांत शब्द व्यापक रूप से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्रों का उल्लेख करता है, जिसमें विवादित दक्षिण चीन सागर भी शामिल है। हमें पता है कि 2016 में चीन दक्षिण चीन सागर विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को अनदेखा कर चुका है, जो कि चीन के खिलाफ आया था। इसलिए इस गठबंधन यानी क्वाड को चीन के आक्रामक व्यवहार और क्षेत्र में आर्थिक ताकत तथा सैन्य उपस्थिति को बढ़ाने के खिलाफ एक साधन के रूप में देखा जा रहा है।
दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत प्रशांत क्षेत्र पर रुचि हाल ही में जापान तथा चीन की यात्रा के दौरान दिखाई गई। लेकिन इस बात को स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि इस क्वाड्रिलेटरल डायलॉग में कहीं भी आधिकारिक रूप से यह नहीं कहा गया है कि यह मंच चीन के खिलाफ एक गठबंधन है। हालांकि यह सब समझते हैं कि क्वाड को अस्तित्व में क्यों लाया गया है। अगर अन्य पहलुओं पर चर्चा करें तो कुछ विश्लेषक मानते हैं कि आसियान देश चीन पर व्यापार के लिए निर्भर हो गए हैं। अमेरिका के 3 से 4 आसियान देशों में सैन्य अड्डे रहे हैं, लेकिन अब चीन इन देशों के करीब है। साथ ही वे ये भी कहते हैं कि आसियान देशों और चीन के बीच सबसे बड़ी समस्या दक्षिण चीन सागर है। खास बात यह है कि चीन यहाँ दक्षिण चीन सागर मुद्दे को कभी नहीं उठने देता, क्योंकि वह आसियान देशों के साथ भरपूर व्यापार करना चाहता है। अमेरिका ने कई बार इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, किंतु चीन ने हर बार इस मुद्दे को दबा दिया। हालांकि आसियान के देश खुलकर चीन के सामने आने से कतराते हैं, विश्लेषकों का मानना है कि आसियान देश चीन को एक अजगर की तरह मानते हैं जो उन्हें कभी भी निगल सकता है। इसलिए भी आसियान देश अमेरिका, जापान, भारत जैसे देशों की मौजूदगी इस क्षेत्र में चाहते हैं। कुछ सामरिक विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि चीन की सैन्य शक्ति का एकाधिकार और विस्तारवाद केवल सामूहिक प्रयास के जरिए ही रोका जा सकता है। दरअसल भारत के क्षेत्रीय प्रभुत्व को सीमित करने के लिए चीन ने मोतियों की माला नीति को अपनाया है। इस नीति के तहत चीन भारत के चारों तरफ बंदरगाह और आर्थिक परियोजनाएं शुरू कर अपने प्रभाव का विस्तार कर भारत को अलग और भयभीत करना चाहता है। श्रीलंका में हम्बनटोटा और पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह का चीन द्वारा विकास किया जाना इसी नीति का हिस्सा है। इसलिए भारत द्वारा क्वाड के रूप में चीन विरोधी शिविर के साथ एक सामरिक साझेदारी का गठन चीन की आक्रामक मुद्रा को कमजोर करेगा। हालांकि क्वाड के विचार को बचाना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि चीन का इन 4 क्वाड देशों के साथ व्यापार कई ट्रिलियन डॉलर से अधिक है। खुद भारत के साथ चीन का व्यापार बड़े स्तर पर होता है, इसलिए इन सभी देशों को चीन का विरोध करने से पहले कई बार सोचना होगा। आने वाले समय में यह देखना भी कम दिलचस्प नहीं होगा कि किस तरह भारत खुद से लगाई जा रही वैश्विक उम्मीदों पर खरा उतरता है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, क्वाड की स्थापना के संदर्भ में भारत की आसियान क्षेत्र में बढ़ती भूमिका का विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए।